क्वेश्चन नंबर वन बोला गया है, एक ब्लॉक पे पार्टिकल मास एम लटका हुआ है वर्टिकली एट द बॉटम, यूनिफॉर्म रूप पे बात करी गई है, कांस्टेंट मास पर यूनिट लेंथ दिया गया है। अगर अपन सिंपली इस सवाल को बहुत ध्यान से देखें तो थोड़ा सा उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट करा है, क्या ऑप्शन में मैं भी आपको बताऊंगा। अगर अपन वो ध्यान देखें तो अपने समझ में आता है कि अपन ऐसे पार्टिकल एम लटका रखा है, हर जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंशन बढ़ रही है क्योंकि जो मास ऑफ द लेंथ है वो भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे अगर टेंशन एम जी है तो यहाँ पे एम जी प्लस मास ऑफ द लेंथ जो अपनी स्ट्रिंग है उसका भी मल्टीप्लाइड बाय जी करके यहाँ पे टेंशन आ जाएगी। तो अगर अपन यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर चलें तो अपन देखेंगे कि टेंशन बढ़ रही है, अपन देखेंगे टेंशन बढ़ रही है। पहली बात तो ये होगी भाई टेंशन यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है। अगर आप जानते हैं तो वेलोसिटी होती है अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू किसी भी वेलोसिटी ऑफ वेव जो होती है अंडर रूट टी बाई म्यू। जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि मेरा टी बढ़ेगा, टी बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, यानी कि जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो टी बढ़ेगा और वी भी बढ़ेगा। चलिए भाई एक बात क्लियर हो गई। अगर अपन ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे, यानी कि अपन ऊपर से छोड़े नीचे छोड़े फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है, जो चीज चेंज हो रही है वो समय के साथ चेंज हो रहा है वी, क्या चेंज हो रहा है वी। अगर आप बहुत ध्यान देखें तो टी बढ़ रहा है नीचे से ऊपर जाने पर तो वी भी बढ़ रहा है। अगर अपन बात करें तो अपन सब लोग जानते हैं कि v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अगर अपन बात करें तो फ्रीक्वेंसी के लिए अपनी कितनी है v बाई लैम्डा। अगर अपन बहुत अच्छे से समझें तो अपने को क्लैरिटी समझ में आएगा कि अपनी जो वेवलेंथ है, जो क्या है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट रह रही है इधर और इधर जो कोई चेंज नहीं हो रही क्योंकि सोर्स पर डिपेंड कर रही है, तो v और लैम्डा, अगर v बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, यानी कि जब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो टी बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है और लैम्डा भी बढ़ रहा है। एक ऑप्शन अगर आप बहुत ध्यान देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, द वेवलेंथ ऑफ पल्स वन becomes longer when it reaches A, A वाला point अपन ध्यान देंगे तो नीचे है, ये उसने बोला wavelength यहाँ पे बढ़ जाती है जबकि उल्टा हो रहा है, यानी कि C option अपना गलत है, यानी कि C option अपना गलत है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, the velocity of the two pulses, pulse one and pulse two are the same at the midpoint of the rope। जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या टेंशन सेम है, बिल्कुल सच्चाई है। अगर टेंशन सेम है तो वेलोसिटी सेम है, बिल्कुल सच्चाई है। अगर वेलोसिटी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम है, बिल्कुल सच्चाई है। बट उन्होंने वेलोसिटी शब्द का प्रयोग कराया, कन्फ्यूजन का पार्ट है, इन्होंने यहाँ पे वेलोसिटी शब्द का प्रयोग कराया। अगर ये स्पीड का प्रयोग करते कि दोनों वेव की स्पीड सेम है तो ये सही होता, पर क्योंकि वेलोसिटी शब्द का प्रयोग करा गया इसलिए एक नीचे आ रही है और एक ऊपर जा रही है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत होना चाहिए। तो ए गलत हो गया है, सी गलत हो गया है। हम बात करते हैं टाइम की। अगर आप बहुत आपने कभी वेव ढंग से पढ़ी है तो आपको पता पड़ेगा कि जब अपन यहाँ से यहाँ लिखते हैं तो वेलोसिटी कुछ तो डायरेक्टली समथिंग ए प्लस बी एक्स टाइप का एक फॉर्मेट आता है हमारा, जो भी आएगा। अगर अपन बहुत ध्यान देखें तो जो इससे एक्सलेशन आता है वो कांस्टेंट आ जाता है, वी डी वी बाई डी एक्स करोगे आप तो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्सलेशन क्या जाएगा कांस्टेंट, क्या जाएगा कांस्टेंट। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो सिर्फ रोप अगर होती है तो जी बाई टू। वेलोसिटी कुछ इस प्रकार की आती है अंडर रूट ए प्लस बी एक्स, क्योंकि किसी भी एक्स दूरी पे एम जी प्लस लेमडा इंटू एक्स, लेमडा इंटू एक्स, तो इस तरह की वैल्यू आती है, ए अपना कांस्टेंट आ जाता है। तो जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे आने वाली और नीचे से ऊपर जाने वाली वेव के लिए दोनों के लिए एक्सलेशन कांस्टेंट है और दूरी भी सेम है, तो जाहिर सी बात है कि इनको टाइम लगेगा सेम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन पे बात करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलॉन्ग द रोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। मैं आगे आपको ऑप्शंस भी दिखाता हूं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसने क्या ऑप्शन दिया हुआ है देखिए ध्यान से, अपने को जो बी ऑप्शन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलॉन्ग द रोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। जाहिर सी बात है क्या वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट टी बाई म्यू, म्यू इज इंडिपेंडेंट एंड टी डिपेंड्स ऑन किस जगह पर हम हैं उस पर फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पर डिपेंड करती है और वेलोसिटी से मिलकर वेवलेंथ आती है, तो जो आपकी वेलोसिटी है वो सिर्फ टी पर डिपेंड कर रही है जो लेंथ पे है। इसका मतलब बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर टू आपको बता पड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अपने फ्लक्स से आया है, जब फ्लक्स अपन लिखते हैं इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। आपको दिखाया गया एक बड़ा लूप है एक छोटा लूप है, जो बड़ा लूप है उसका एरिया 2a है, कितना है 2a, और ऊपर वाले का a है, जाहिर सी बात है 2a वाला डोमिनेट करेगा, तो 2a वाला जब जैसे करंट बहाना चाहेगा वैसे ही बहेगा, a वाला उसे अपोज करेगा, तो इफेक्टिव एरिया बचेगा a, क्या बचेगा a, तो जो फ्लक्स होगा वो ध्यान से देखो तो होगा बी ए कॉस थीटा, क्योंकि दोनों b और a के बीच में इनिशियल एंगल जीरो है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये ओमेगा टी घूमेगा, ओमेगा टी घूमेगा तो b और a के बीच का एंगल भी कॉस ओमेगा टी लिखा जा सकता है, ये अपना फ्लक्स हो गया। अगर अपन इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो माइनस डी फाई बाई डी टी की वैल्यू जो अपन लिखेंगे वो अपनी निकल के आएगी बी ए साइन ओमेगा टी, बी ए बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो अपन ने जब बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी लिख लिया तो अपने को समझ में आएगा कि भाई ये क्लैरिटी है अपने को। अब अपन सारे ऑप्शंस इसमें पढ़ लेते हैं, द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर। लूप परपेंडिकुलर हो गया यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू 90 हो गई, यानी कि साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो गया, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही बोला गया है।
एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस टू बोथ द लूप्स इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस इन द स्मॉलर लूप। आप देखो तो ये हमारा नेट है, अगर आप छोटे वाले का देखो तो नेट एरिया कितना बचा ए, अगर आप छोटे वाले को देखो तो उसका भी एरिया ए, अगर अकेले लेते तो ए ही आता, तो इसका जो मैक्सिमम होता और उसका जो मैक्सिमम होता वो बराबर होता, क्योंकि 2a और a का नेट भी एरिया ए ही बचा है और अकेले छोटा वाला भी ए ही बचा है, हालांकि 2a वाले को ए वाला अपोज कर रहा है, तो दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा बट मैक्सिमम वैल्यू दोनों की सेम होगी, इसलिए सी ऑप्शन सही है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू लूप्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सम पे नहीं बल्कि डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आ रहा है 2a माइनस a, इसलिए इस प्रश्न के हमारे आंसर्स हैं जो हम आंसर्स दे रहे हैं वो है बी एंड सी। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, बी एंड सी, दो आंसर हमने दिए बी एंड सी। नेक्स्ट सवाल की तरह चलते हैं, स्टैंडर्ड है, क्लासेस में कराया जाता है, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को समझ में आएगा ये जो पार्टिकल है जो यहाँ से चल के नीचे आएगा, जब ये चल के नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक पीछे चलेगा इसके नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, कुछ देरी के बाद ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा और अपना जो पार्टिकल है वो कुछ इधर सरक जाएगा, तो अपन ध्यान से देखें ऐसे। अगर हम मान लें कि हमारा ब्लॉक चला x, कितना चला x, तो लॉजिकल सी बात है कि जो अपना लूप है, जो अपना ये पार्टिकल है, ये कितना चला, ये चला r माइनस x, कितना चला r माइनस x। हम लोग जानते हैं कि नेट अपना जो फोर्स है, जो अपना नेट फोर्स है इस पूरे सिस्टम पर वो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब मोमेंटम भी कंजर्वड है एंड सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो एट रेस्ट। ओके, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखा करते हैं m1 x1 बराबर m2 x2, मतलब लिखा जाएगा mx इक्वल्स टू छोटा m इंटू r माइनस x। क्लियर है, तो x की वैल्यू हमने पीछे मानी, उसको ऐसे कैसे लिख दिया, सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन करा, तो x की वैल्यू आ गई जो आपको ऑप्शन में दी हुई है एज इट इज बी ऑप्शन में, यानी कि इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक और इक्वेशन जो इस पर लिखी जा सकती हैं वो है एनर्जी कंजर्वेशन की एंड मोमेंटम कंजर्वेशन की। मान लेते हैं कि इस समय जब ये नीचे पहुंच गया तो मान लेते हैं कि इसकी रफ्तार हो गई इधर v1, इसकी रफ्तार हो गई इधर v2, जाहिर सी बात है एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, तो लिखा जाएगा एनर्जी कहां से आई, एनर्जी जो इसकी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई, क्या वही इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, मतलब अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखाई देगा हाफ ऑफ बड़ा m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ छोटा m इंटू v2 स्क्वायर इक्वल्स टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgr, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आप सॉल्व करोगे मोमेंटम कंजर्वेशन से, mv1 इक्वल्स टू छोटा m इंटू v2। ये दो इक्वेशन हैं जिनको आप अच्छे से जब सॉल्व करोगे तो आपको v1 और v2 की वैल्यू मिल जाएगी, जब आप सॉल्व करोगे तो a ऑप्शन आपको दिखाई देगा पर साथ ही साथ आपको d ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब आंसर सिर्फ दो हैं a एंड b। तो आंसर सिर्फ हैं a एंड b। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा सवाल था, बात करी गई है कि एक प्लेट है जो वी रफ्तार से चल रही है, उस पर फोर्स लगाया गया है और उसकी रफ्तार बढ़ते बढ़ते वी होती जा रही है, और बोला कि जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज रफ्तार यू है, मतलब इधर से भी गैस मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं और हम ध्यान सोचे तो इधर से भी गैस मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। अगर हम बहुत अच्छे से सवाल को देखें तो हमें समझ में आएगा कि इधर वाले जो गैस मॉलिक्यूल्स इस प्लेट पे फोर्स लगाएंगे और जो इधर वाले गैस मॉलिक्यूल प्लेट फोर्स लगाएंगे, उनके जो डिफरेंस है वही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, या अपन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे एरिया कांस्टेंट रहने वाला है इसलिए प्रेशर इज जनरली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अच्छा, फोर्स के बारे में अपन बात करें तो फोर्स एवरेज फोर्स पे बात चर्चा हो रही है, तो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम इन वन सेकेंड, तो इज जनरली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, दैट इज डेल्टा पी इज द चेंज इन मोमेंटम इन वन सेकेंड, दैट इज जनरली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे समझे आप, थोड़ा छोटा सॉल्यूशन करके आपको बता रहे हैं अच्छा लगेगा, इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक भाई बहुत बढ़िया, इज जनरली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी इंटू वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चेंज इन मोमेंट ऑफ द पार्टिकल जो इधर से आ रहा है, आप उसको देखो तो जाते वक्त वो आया यू प्लस वी से, क्योंकि ई की वैल्यू वन लेते हैं, आइडियल सिचुएशंस हैं, तो यू प्लस वी उसमें दो बार चेंज आया, तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम का प्रोपोर्शनलिटी आई वो आई यू प्लस वी के प्रोपोर्शनल। क्यों आई फिर से बताते हैं, जब एक स्टेशनरी बॉल होती है तो बॉल यू से आती है और यू से जाती है, अगर मैं यहाँ पे स्टेशनरी होकर बैठ जाऊँ तो यार ये यू प्लस वी से, तो जाएगी भी यू प्लस वी से ही, तो जाहिर सी बात है चेंज इन मोमेंटम प्रोपोर्शनल आया यू प्लस वी के, किसके प्रोपोर्शनल आया यू प्लस वी के, ठीक है यू प्लस वी के प्रोपोर्शनल आ गया। तो जब एक पार्टिकल का हम मोमेंटम लिखेंगे तो वो कुछ तो ऐसे लिखा जाएगा 2m इंटू यू प्लस वी, क्लियर,
ऐसे ही आप बहुत ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सोच के देखें कि अगर मान लीजिए डेंसिटी रो है, कितनी है रो, तो ये जो पार्टिकल यू प्लस वी से आ रहे हैं, एक सेकंड में कितनी लेंथ के पार्टिकल टकरा जाएंगे इससे, यू प्लस वी लेंथ के, तो कितने पार्टिकल एक सेकंड में टकरा गए, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इंटू यू प्लस वी इंटू, अगर हमने इसको रोक लिया तो पार्टिकल आ रहे हैं यू प्लस वी से, हम इस पर बैठ के देख रहे हैं, तो कितने एक सेकंड में कितनी लेंथ के पार्टिकल टकरा जाएंगे यू प्लस वी के, तो इसमें भी जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा रो इंटू यू प्लस वी। आप बहुत ध्यान से सोचो तो आपको समझ में आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू प्लस वी का होल स्क्वायर। तो प्रेशर फ्रॉम दिस वॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू प्लस वी का होल स्क्वायर। इन द सेम वे आप इधर से देखो तो आपको समझ आएगा कि इधर से यू प्लस वी की जगह क्या जाएगा, यू माइनस वी, क्योंकि यहां पे अप्रोच रफ्तार थी यू प्लस वी, पीछे की तरफ से होगी यू माइनस वी। तो इधर से जो प्रेशर है पी वन वो तो ऐसा आया प्रोपोर्शनल टू दिस, पी वन इज प्रोपोर्शनल टू दिस, एंड पी टू विल बी प्रोपोर्शनल टू यू माइनस वी का होल स्क्वायर। प्रेशर डिफरेंस पे अगर आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पी वन माइनस पी टू जब हम करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल दिखेगा यू वी के, माइनस करोगे तो आपको फोर यू वी की टर्म दिखेगी, किसकी दिखेगी फोर यू वी की। यही इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग एंड ट्रेलिंग फेसेस ऑफ द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू यू वी, आ गया, यानी कि पहला पार्ट बिल्कुल सही था, अच्छा सवाल था। दूसरा उन्होंने बोला द रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू वी, ये रेजिस्टेंस फोर्स ही जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो ये जाहिर सी बात है यू तो कांस्टेंट है, वी चेंज हो रहा है तो वी के प्रोपोर्शनल है ही, इधर साफ साफ दिख रहा है, यानी कि ए भी सही है और सी भी सही है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस सवाल में इन्होंने ऐसा माना है कि इनिशियली टी इक्वल्स टू जीरो पे जब प्लेट चलना चालू हुई फोर्स एफ की वजह से, तो ये ऐसे जाती गई, जैसे जैसे आगे गई वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो ये प्रेशर बढ़ा जो कि रेजिस्टिव फोर्स बढ़ा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा रफ्तार बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी रेजिस्टिव फोर्स बढ़ेगा, रेजिस्टिव फोर्स बढ़ेगा एक्सेलरेशन घटेगा, एक्सेलरेशन घटेगा। तो अगर आपने कभी रेजिस्टिव फोर्स या आपने एयर रेजिस्टेंस के सवाल करे हो तो आपको दिखाई देता है कि वेलोसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है जो एसिम्प्टोट पे जाता है, और फाइनली स्टडी स्टेट पे जो नेट फोर्स एम जी होता है वो रेजिस्टिव फोर्स से बैलेंस हो जाता है। वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर है और बोला गया है कि इसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो रेजिस्टिव फोर्स है, यानी कि इक्वेशन कुछ इस प्रकार की है, किसी भी इक्वेशन पे एफ माइनस बेसिकली एफ माइनस के वी टाइम्स, इस तरह की इक्वेशन है, उसकी कर्व की इक्वेशन ऐसी आती है, मतलब लेटर स्टेज पे जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से भी जान सकते हैं, वो तब आती है जब अपन स्टडी स्टेट पे आ जाते हैं, इसलिए बोला गया लेटर टाइम द एक्सटर्नल फोर्स एफ बैलेंसेज द रेजिस्टिव फोर्स, द प्लेट विल कंटिन्यू टू मूव विद कॉन्स्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, हमें समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है वी के साथ, इसलिए डी ऑप्शन तो गलत ही है। बट बहुत अच्छा सवाल था ये, इसके ऑप्शन थे ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 5 एलसीआर सर्किट से दिया गया है, बोला गया है कि बताइए क्या होगा, जो ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंडीशन जानते हैं हम सब लोग, जब एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है हम सब लोग ये जानते हैं, ओमेगा की वैल्यू आती है 1/√LC, जब आप एल और सी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 10^-6 10^-6 तो आपको ओमेगा की वैल्यू मिलेगी 10^6, यानी कि ओमेगा जब 10^6 होगा तो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा, जब ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा तो क्या वोल्टेज और करंट फेज में आ जाएंगे, ये सिंपल सी बात हम सब लोग जानते हैं, तो अपन ध्यान से देखें तो बोला गया है द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, पहली बात ये अपना सी ऑप्शन है, द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इफ ओमेगा इक्वल्स टू दिस, ओमेगा 10^6 है यानी कि 10^4 दी हुई है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। बोला गया ओमेगा जब 10^6 से ज्यादा हो जाएगी, इससे ज्यादा जब हो जाएगी तो सोचे देखो एक्सएल बड़ा हो जाएगा, अगर ओमेगा 10^6 से ज्यादा है तो एक्सएल बड़ा है एक्ससी से, तो कौन डोमिनेट करेगा, इंडक्टर की कैपेसिटर, इंडक्टर, तो ये ऑप्शन भी गलत है बी वाला, भी इन्होंने जो बोला है वो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, जाहिर सी बात है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के टाइम पे आर का कोई रोल नहीं होता, उसका फॉर्मुला ही 1/√LC होता है, उस पर आर से कोई लेना देना नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है। लास्ट ऑप्शन उन्होंने बोला कि ओमेगा इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो, अगर सोच के देखो ओमेगा इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो है तो वी नॉट साइन ओमेगा टी में वी नॉट ही अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो गया, मतलब जो सप्लाई है उसकी कोई वो नहीं है, और अगर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स नियरली जीरो, अगर जो वोल्टेज सप्लाई हम लगा रहे हैं वो ही जीरो हो गई है, तो यहाँ रजिस्टर में कोई करंट आना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसका डी आंसर भी दे रहे हैं, इसलिए इसके दो आंसर दिए गए सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करें आइसोसेलेस प्रिज्म ऑफ एंगल ए एंड डिफरेंट एक्स म्यू, इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम इक्वल्स टू ए, डेल्टा एम इक्वल्स टू ए, ध्यान से देखें डेल्टा एम है तो डेल्टा एम अगर ए के बराबर दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी अपना ए ही है, तो अपन ध्यान से सोचें तो अगर ये ए है डेल्टा एम इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एम होता है 2i
माइनस ए, यानी कि अगर अपन बहुत ध्यान से तो आई की वैल्यू निकल के आई ए, आई की वैल्यू क्या निकल के आई ए, क्योंकि डेल्टा मिनिमम ए है, टू आई माइनस ए ए ए चला गया, अपने आई की वैल्यू निकल के आई ए. तो द मिनिमम डेविएशन द इंसिडेंट आई वन एंड द रिफ्लेक्टिंग एंगल आर वन एट द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आर डिटेक्टेड बाई. जानते हैं जब मिनिमम डेविएशन होता है तो आर वन और आर टू जो अपना वो ए बाई टू होता है, क्योंकि आई इक्वल्स टू ई होता है इम्प्लाइज आर वन इक्वल्स टू आर टू होता है, और ये ए बाई टू के बराबर होता है क्योंकि आर वन प्लस आर टू ए के बराबर होता है. तो जाहिर सी बात है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एक मिनिमम डेविएशन द इंसिडेंट एंगल आई एंड द रिफ्लेक्टिंग एंगल आर वन एट द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर रिलेटेड बाई आर वन इक्वल्स टू आई वन बाई टू. बी ऑप्शन की बात करते हैं. फॉर द प्रिज्म द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म ए आर रिलेटेड एज. अपन देख लेते हैं. अच्छा भाई, अगर अपन बात करें रे गिरी आई पे, कितने पे, ए पे, और अंदर गई ए बाई टू पे, ठीक. अगर हम अपना फॉर्मूला लगाएं तो वन इंटू साइन आई इक्वल्स टू एन इंटू साइन ए बाई टू, एन इंटू साइन ए बाई टू. हमें बी ऑप्शन में बेसिकली निकालना है ए. क्या निकालना है? ए. अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को क्लैरिटी से समझ में आएगा कि 1 इंटू साइन ए इक्वल टू एन, आई की वैल्यू कितनी है? ए. 1 इंटू साइन ए इक्वल टू एन इंटू साइन ए बाई टू, इसे लिखेंगे 2 इंटू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू इक्वल टू एन इंटू साइन ए बाई टू. अब आपको दिखाई दे जाएगा कि हमें ए की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए जो इससे मैच नहीं कर रही है, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि अपने को क्या करना है. अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो आपको दिख जाएगा. चलिए और बात करते हैं सी ऑप्शन. फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन इक्वल टू ए द रे इंसिडेंट इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म. जाहिर सी बात है कि अगर ये ऐसे है तो ये इसके पैरेलल ही जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है बिल्कुल सब कुछ, ए बाई टू ए बाई टू. कई बच्चे बोलेंगे सर मैं रे ऐसे डाल दूँ, तो आप ऐसे नहीं डाल सकते हमारे हिसाब से, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म की डेफिनेशन ये है कि एंगल ऑफ प्रिज्म वो होता है जिन दो इंक्लाइंड सर्फेसेस को रे क्रॉस कर रही है. तो आप दूसरे को मानेंगे तो फिर जो सवाल में बोला गया है वो गलत हो जाएगा. डी पार्ट, डी पार्ट में जो उसने बोला है फॉर द प्रिज्म द इमर्जेंट रे, बेसिकली ये कंडीशन है डेल्टा मैक्स की. डेल्टा मैक्स की कंडीशन पे उन्होंने बोला कि अगर आप ए पे गिरा रहे हो तो रे ऐसे जा रही है. जाहिर सी बात है जब वो ऐसे जाएगी तो ये एंगल सी हो जाएगा. सी मतलब क्रिटिकल एंगल, क्योंकि हम 90 डिग्री पे बाहर आ रहे हैं. अगर ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो लॉजिकल है कि ये एंगल ए माइनस सी हो जाएगा, और चूंकि एंगल ए माइनस सी हो जाएगा तो हमें आई निकालने की बात करी जा रही है. तो हमें समझ में आ रहा है 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू एन इंटू साइन ए माइनस सी. मैं आपको फिर से बता दूं एक बार ढंग से, साइन सी की वैल्यू क्या है? साइन सी की वैल्यू है 1 बाई एन. तो आप साइन आई की वैल्यू लिखोगे एन इंटू साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी. अब आप बहुत ध्यान देंगे तो एन के लिए अपन बाद में डाल लेंगे. साइन ए अपन जानते हैं, कॉस सी की वैल्यू अपनी कितनी है? कॉस सी की वैल्यू है 1 बाई एन, ठीक है. तो अपन ने यहाँ पे वैल्यूज रख दी, साइन सी की वैल्यू, साइन ए कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू, सॉरी साइन सी की वैल्यू 1 बाई एन. तो ये वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट ऑफ कॉस सी की 1 माइनस एन स्क्वायर सी, यानी कि 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, माइनस कॉस ए साइन सी दैट इज 1 बाई एन. अगर हम एन अंदर ले आए तो आपको दिखाई दे जाएगा कि एन अंदर ले आएंगे तो ये बच जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन, और ये एन यहाँ से चला जाएगा. अब आप एन की वैल्यू यहाँ से रख दो, 2 cos a by 2, आपको आंसर आता हो नजर आ जाएगा जो देखा हुआ है. देखिए साइन ए अंडर रूट ऑफ 4, एन की वैल्यू कितनी है? 2 cos a by 2, तो 4 cos² a by 2 माइनस 1 माइनस कॉस ए, यानी कि अपना कौन सा ऑप्शन सही है? ए भी सही है, सी भी सही है, और डी भी सही है. तो इस सवाल के आंसर हैं ए सी एंड डी, ए सी एंड डी. क्वेश्चन नंबर 7, ह्यूमन बॉडी हैज अ सरफेस एरिया ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 1 मीटर स्क्वायर, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 10 केल्विन, अबाउट द फॉर्मूला. हम सब लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो अपना फॉर्मूला निकल के आता है 4σE A T0³ ∆T. पहले पार्ट में वही बोला गया है, उसी पे बात करी गई है. इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर रिड्यूसेस बाय स्मॉल डेल्टा टी अमाउंट, देन द टू मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर द सेम लिविंग ह्यूमन बीइंग नीड्स टू रेडिएट. ये वही फॉर्मूला है जो अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पढ़ते हैं. ये आता है कहाँ से? जब हम ये मानते हैं सिग्मा ई ए टी ऑफ सराउंडिंग की पावर 4 माइनस टी ऑफ बॉडी की पावर 4. तो ये हम जो रेडिएट कर रहे हैं और जो हम ले रहे हैं उनके डिफरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं, इसी के डिफरेंस को, जब छोटा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा नहीं होता,
10% से कम रहता है, तो हम ये लगा सकते हैं, हम बायनोमियल लगा के उसे बाहर लाते हैं, वही उसने दिया हुआ है और वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिड्यूसिंग द एक्सपोज एयर सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी अलाउज ह्यूमन टू मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर वाइल रिड्यूसिंग द एनर्जी लॉस्ट बाय रेडिएशन। देख ध्यान से पढ़ें इसे, रिड्यूसिंग द एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, एरिया घटाएंगे अगर तो हमें वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जाहिर सी बात है कि कम एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी। अगर हम अपने आप को स्क्वीज कर लेंगे तो जो एरिया हम एक्सपोज कर रहे हैं वो कम हो गया है, इसलिए उसे अलाउज ह्यूमन टू मेंटेन द सेम बॉडी टेम्परेचर वाइल रिड्यूसिंग द एनर्जी लॉस्ट बाय रेडिएशन। तो रेडिएशन से, क्योंकि रेडिएशन इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एरिया। If the body temperature rises significantly, then the peak in the spectrum of electromagnetic radiation emitted by the body will shift to longer wavelength. जाहिर सी बात है, हम जानते हैं displacement law, lambda mt equals to constant. Lambda mt equals to constant. तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इसलिए सी वाला ऑप्शन गलत है। The amount of energy radiated by the body in 1 second is close to 60 joules. 60 joules, यही वाली चीज़ में हमें रखना है। उसने सिग्मा इंटू टी नॉट की वैल्यू, टी नॉट की पावर 4 की वैल्यू दी हुई है, कन्फ्यूज ना हो, उन्होंने टी नॉट की पावर 4 की वैल्यू दी हुई है, तो आपको टी नॉट के लिए भी दी हुई है, तो सिग्मा इंटू 460 दी हुई है, 460/300 टी नॉट की वैल्यू, ये हमने 1 माना है, इंटू एरिया ऑफ द बॉडी इज 1 और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो है 10। आप ये सॉल्व करेंगे, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 61 समथिंग, तो क्लोज टू आंसर इज 60, यानी कि अपना आंसर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीजर टाइप पे अपन आ गए हैं। उसने बोला एक ड्रॉप को अपन ने के हिस्सों में तोड़ दिया, जब हिस्सों में तोड़ते हैं तो हम जानते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, तो 4/3 πr·10⁻²³ इक्वल टू 4/3 π इंटू छोटा आर का क्यूब इंटू के, के इज द नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें अपन ने तोड़ा, 4/3 π चला गया। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को आर की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई 10⁻⁶ / k⁴/⁴। इसको अपन यूज लेंगे, हमने बोला कि हमारे को जो वर्क करना पड़ा इसको तोड़ने में, हम सब लोग जानते हैं जो वर्डन होता है वो है, होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें दी हुई है 0.1 by 4 π इनटू एरिया। एरिया हम बात करें तो पहले जो एरिया था और अब जो एरिया उसमें डिफरेंस है, तो वो एरिया लिखा जाएगा 4 π r², तो 4 π r², छोटा r पहले लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा kr² − 10⁻²² ये कहां से लिखा, ध्यान सुने, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, इंटू चेंज इन एरिया 4 π r² r इंटू k, क्यों करा, क्योंकि k ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया गया है, −10⁻²⁰ अगर अपन बात करें तो ये आपको इक्वल दिया हुआ है इन्होंने 10⁻³ जूल के, 10⁻³ जूल के जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखाई देगा ये 4 π 4 π चला गया, आपको दिखाई देगा 10⁻³ इक्वल्स टू, अपन इस 0.1 को यानी कि 10⁻¹ इसे खत्म कर दे तो 10⁻², अपने को दिखाई दे रहा है। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को दिखाई दे रहा है kr², यहाँ पे अपने को k की वैल्यू निकाली तो अपन r की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, अपन r की वैल्यू अगर यहाँ से रखेंगे तो अपने को दिखाई देगा कि k इंटू r² अपन ने r की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो अपन r की वैल्यू जब अपन यहाँ से यहाँ रखेंगे तो अपने कैसे, सुने देख, यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 2/3 क्लियर, और आर स्क्वायर के लिए अपन ने रख दी तो आर के लिए यहाँ पे कितनी आई है, देखिए ये अपने आर के लिए आई है, अपने आर के लिए लिखिए 10⁻²⁺ −2 है, 10⁻²² −10⁻⁴। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो 10⁻², 10⁻⁴ कॉमन आ गया, ये k की पावर 1/3 −1, ये बचा 100, 100 + 1 k की पावर 1/3, k की वैल्यू असलियत में आई 101 की पावर 3, क्लियर। अब उसने इसको लिखा अप्रॉक्सीमेटली 10 की कितनी पावर आई, आप देखो तो 100 की पावर लगभग है, तो ये असलियत में उसने लिखा 10⁻α, क्लियर है, उन्होंने लिखा 10⁻α। अगर अपन उसे 10⁻α लिख रहे हैं तो देखो 10⁻α निकल आया, ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैल्यू है अल्फा की, ये 10⁻²² है, 100 अगर लिखे तो आपने दिखाई देगा ये 6 है, कितना है 6, तो अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली 6। देखने में बड़ा है पर हमें समझ में आता है कि जब भी हम चूंकि डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन आराम से जाते जा रहे हैं, 90 डिग्री पे जब अपन निकलेंगे तो अपन जानते हैं कि जो इनिशियल है और जो फाइनल है उसे इक्वेट कर लेना चाहिए,
जो इनिशियल है और जो फाइनल है, n1 sin i इक्वल्स टू n फाइनल sin r फाइनल। आप सब लोगों ने पैरेलल स्लैब सिस्टम में पढ़ा है, क्योंकि अपन लिखते चलते n1 sin r1 इक्वल्स टू n2 sin r2, फिर n2 sin r2 इज n3 sin r3, इक्वेट होते होते यहाँ तक आ जाता है। फाइनली ये 90 है, आपको सारी वैल्यूज ढंग से दी हुई हैं। ध्यान से देखो तो n की वैल्यू 1.6 इंटू साइन 60, यानी सॉरी साइन 30, साइन 30 वैल्यू दी हुई है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, n माइनस m डेल्टा n, यानी कि 1.6 माइनस m डेल्टा n की वैल्यू इन्होंने 0.1 दी हुई है, 0.1 ही दी हुई है, करेक्ट, इंटू साइन 90 दैट इज 1, इंटू साइन 90 दैट इज 1। सॉल्व कर लेते हैं, साइन 90 वैल्यू हाफ, यानी कि हो गया 0.8, 0.8 इक्वल्स टू 1.6 माइनस m इंटू 0.1। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो m की वैल्यू निकल के आई 8। 10th सवाल रिलेटिविटी से कराया गया, आपको ये सवाल जरूर केमिस्ट्री में भी कराया गया होगा, फिजिक्स में भी कराया गया होगा। अगर हम बात करें तो इनिशियल जो एक्टिविटी उसने पूरे ब्लड सैंपल पे दी, द एक्टिविटी ऑफ द अमाउंट ऑफ आई इंजेक्टेड वाज इतना, तो जो इंजेक्ट करी गई उसका 2.4 × 10⁵ एक्टिविटी डाली गई, 2.4 × 10⁵ एक्टिविटी डाली गई कितने सैंपल में, कितने लीटर में, हमें नहीं पता, मान लीजिए एक्स में डाली गई, क्लियर है, पर बाद में सिर्फ हमने सैंपल लिया 2.5 का, कितने का लिया 2.5 का, जिसमें एक्टिविटी निकली 115, कितनी निकली 115। आप सब लोग जानते हैं कि एक्टिविटी होती है माइनस लेमडा एन, एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट दैट टाइम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप मान सकते हो वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अब आप देखो जो इनिशियल एक्टिविटी थी 2.4 × 10⁵ इक्वल टू माइनस लेमडा, मान लेते हैं एक्स लीटर था, कितना था, तो 2.5 में कितनी होगी, वो इन्होंने 115 दे दी, तो ये लिया गया माइनस लेमडा इंटू 2.5। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे 2.5 ml है ये, इसको भी अगर ml में कन्वर्ट कर लें तो आपको दिखाई देगा कि ये x इंटू 1000 × 10�³, x इन लीटर्स ले लिया हमने और इधर ऐसे ले लिया 2.5 × 10⁻³ कर लो जो आपको अच्छा लगे। तो आप जब इनको डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड कर दोगे, जैसे ही आप इनको डिवाइड करोगे लेमडा लेमडा घट जाएगा और x की वैल्यू, और x की वैल्यू जब आप अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करोगे तो आएगी 5। आपको लगेगा सर ये 11.5 घंटे का, इनका तो आपने कोई यूज़ ही नहीं लिया, मैं पूरा यूज़ लूँगा तब भी आंसर अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा, डायरेक्ट क्यों कर पाए, हालांकि पूरा करा जाएगा तब भी आंसर ये आएगा। ध्यान से समझें, उसकी हाफ लाइफ 8 दिन है, 8 दिन, हमसे बात सिर्फ 11.5 घंटे की करी गई है। अगर हम लॉजिक लगाएं तो हमें समझ में आएगा कि हमारा इंटीजर टाइप आंसर 5 के आसपास, मतलब 5 के आंसर जो भी आंसर आएगा वो बहुत वेरिएशन नहीं करेगा जब उसे इंजेक्ट करा गया और 11.5 घंटे बाद में। इसलिए हमने मान लिया कि हम इनिशियल से ही इसकी एक्टिविटी को कंपेयर कर लिया गया, हालांकि जब हमने सॉल्यूशन बनाया था तो पूरा बनाया, फिर इसको छोटे सॉल्यूशन में कन्वर्ट करा गया, क्योंकि लॉजिक ये बता देता है कि आप अगर इस 11.5 घंटे को कंसिडर ना भी करें तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, हम सब लोग जानते हैं जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का वो होता है −13.6 Z² / n² अगर अपना हाइड्रोजन है तो 1 ले लेंगे −13.6 / n², हम सब लोग जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इसकी डबल होती है, यानी कि अपन बोलेंगे −13.6 × 2 / n², यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 / n², यानी कि हमें बोलना चाहिए कि वी इनिशियल / वी फाइनल इज बेसिकली 6.25 एंड दैट इज इक्वल्स टू एन फाइनल स्क्वायर / एन इनिशियल स्क्वायर। जब आप इसे लिखोगे तो एन फाइनल इक्वल्स टू 2.5 × n इनिशियल। अगर ये सब कुछ इंटीजर रहना है तो एन इनिशियल की वैल्यू 2 होगी मिनिमम, क्योंकि ये इंटीजर रहेगा, एन इनिशियल भी इंटीजर है, एन फाइनल भी इंटीजर है, क्योंकि ये तो स्टेट्स हैं, तो ये भी 2 रहेगा और ये जब 2 होगा तो ये क्या होगा 5, तो एन फाइनल की मिनिमम वैल्यू आएगी 5, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 12 चर्चा करते हैं, स्टेशनरी सोर्स एमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 492, एक सोर्स है जो 492 पे छोड़ रहा है, द सेकंड इज रिफ्लेक्टेड बाय लार्ज कार अप्रोचिंग द सोर्स विद अ स्पीड ऑफ approaching the source, the sound is reflected by a large car approaching the source with a speed of 2 meter per second. ध्यान से सुने, the sound is reflected by a large car approaching the source, approach कर रही है ऐसे 2 meter per second से, अगर ये 2 meter per second से approach कर रही है तो हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसे approach कर रही है, और उसने बोला the reflected signal इससे रे आई टकराई और फिर वापस चली गई, सुपरइम्पोज विद द ओरिजिनल, व्हाट विल बी द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टिंग सिग्नल। जो यहाँ पे बैठा है सोर्स उसको एक तो 492 सुनाई देगा, एक जो सुनाई देगा वो टकरा के सुनाई देगा, जो यहाँ पे अपेरेंट होती है वो वापस इसके लिए सोर्स बन जाती है, हम सब लोग जानते हैं। यहाँ पे जो f डैश अपेरेंट होगी वो क्या होगी, वो लिखी जाएगी 492।
हमें स्पीड ऑफ लाइट दी गई है 330। हम सब लोग जानते हैं जो अपन फॉर्मूला लिखते हैं तो नीचे सोर्स आता है, ऊपर ऑब्जर्वर आता है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है, तो हमने बोला 330 + 2 / 330 / 330। ठीक भाई, ये इसके लिए अब क्या हो गया, इसके लिए ये हो गया ऑब्जर्वर और ये हो गया सोर्स। तो इसके लिए एफ डबल डैश क्या हुआ, इसके लिए एफ डबल डैश हुआ 492, यानी कि एफ डैश 330 + 2 / 330। ये हो गया इसका एफ डैश इंटू, अब फिर से फॉर्मूला लगाएं। अब जाहिर सी बात है कि जब ये अपना हो गया तो ये हो गया सोर्स, कौन हो गया सोर्स, और वो पास आ रहा है तो लिखा जाएगा 330 / 330 - 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 498 के आसपास आएगा और जो बीट फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी वो होगी 6। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 पैराग्राफ नई टाइप की वैरायटी लाई गई है, 3 कॉलम दिए गए हैं, 4 रो दी गई हैं। आपको बोला गया है अगर अपन सवाल को पढ़ें तो अपन पढ़ सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ओरिजिन से छोड़ा गया है, वेलोसिटी पे बात करी गई है। तो एक कॉलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, एक में वेलोसिटी है। अपने को सवाल पहले पढ़ लेना चाहिए ताकि अपने को क्लैरिटी रहे, ओरली सवाल हो सकते हैं। इन विच केस द पार्टिकल विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो तब हो सकता है जब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर तब होंगे जब क्यूवी वेक्टर बराबर क्यूवी क्रॉस बी होगा। क्यूवी क्रॉस बी यानी कि क्यू क्यू चला गया, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी क्रॉस बी होगा। यानी कि हमें समझ में आना चाहिए कि जब वी और बी, ई वी के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो तभी ऐसा हो सकता है। अपने को सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, मैं सही वाले ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूँ। आप सेकंड वाले को अगर बहुत ध्यान देखें तो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में ली गई है, और जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ली गई है वो ई नॉट एक्स ली गई है, और जो एस लिया गया है, देखिए आप ध्यान से, ई वी बी तीनों परपेंडिकुलर हो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले लिया गया है। करेंगे आपको आंसर मिलेगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 इसी से जुड़ा जो अपना है, इन विच केस विल द पार्टिकल डिस्क्राइब अ हेलिकल पाथ विद अलोंग विद एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। पहली बात अपने को एक बात समझनी पड़ेगी कि असलियत में हेलिकल पाथ कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो भी हो सकता है, बट हेलिकल पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो चल जाएगा। अगर अपन देखें तो हेलिकल पाथ जब ये सर्कल बनाएगा कौन, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो अपन सारे ऑप्शंस चेक करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन चेक करना चालू करेंगे पहला ही सही मिल जाएगा, चेक करते हैं आपको क्लैरिटी आएगी। पहला ऑप्शन है फोर्थ, फर्स्ट और एस। फोर्थ क्या कह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, सॉरी वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, ठीक, और आपको बोला गया कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में, मतलब इधर, बिल्कुल ठीक, और आपको बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड है एस डायरेक्शन में, मतलब जेड डायरेक्शन में अगेन। तो अपने को क्या बोला गया, फिर से समझते हैं, फोर्थ में अपने को बोला गया कि वेलोसिटी है 2E0 / B0 एक्स डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इधर मान ली गई। फिर लेना है हमें फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर, ऑप्शन चेक कर रहे हैं अपन इसमें। फिर है एस, एस कौन सा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, यानी कि ये भी बाहर और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर। अब आप सोचिए तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये ऐसे, यानी कि पार्टिकल जब फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो ऐसे वी क्रॉस भी लगेगा तो पार्टिकल ऐसे चक्कर करेगा, पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उसे बाहर ले जाएगी, तो क्या ये हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच होगा, बिल्कुल, क्या ये फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया है, मतलब इसका आंसर है ए। आप चाहें तो आप सेकेंड थर्ड फोर्थ भी चेक कर सकते हैं, बट अगर फर्स्ट ही सही हो गया है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, पर चेक सारे ऑप्शंस ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, इन विच केस वुड द पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। एक्चुअली पहले 13 सवाल में भी स्ट्रेट लाइन था, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, पर दोनों में अंतर है। पहले 13 सवाल में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की बात करी गई तो हमें नेट फोर्स जीरो करना पड़ा, पर 15 सवाल में सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करी गई है। स्ट्रेट लाइन तब भी हो सकता है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल ना हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ है तो वो उसे एक्सलेट करती हुई ले जाएगी, ठीक है, ऐसी बात है। तो अगर अपन बहुत ध्यान से सोचें तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का रोल कब नहीं होगा, जब या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो या वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन सेम हो, ठीक। ऑप्शन चेक करते हैं, सबसे पहले थर्ड, वेलोसिटी जीरो, क्या हमारी कंडीशन वाली आ गई है, हाँ, थर्ड। सेकेंड वाला अपन पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट वाई कैप, ठीक है, आर है अपना किधर, बी नॉट वाई कैप, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की तरफ है, तो क्या उधर ही पार्टिकल को चलाएगी, अगर उधर ही वाई को चलाएगी पर मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है तो मैग्नेटिक फोर्स आना पॉसिबल नहीं है, मतलब ये पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा पर ये एक्सेलरेट करेगा, क्या करेगा, एक्सेलरेट।
यानी कि 13, 14 और 15 के आंसर हैं सी ए ए। एक साथ सवाल हैं इसलिए एक साथ बताए गए हैं सी ए ए। इसका आंसर है 13 का सी, 14 का ए एंड 15 का भी ए। 16, 17, 18 फिर से हम बात करेंगे, बहुत सिंपल से पार्ट लिए गए हैं अपने आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक जो चार स्टैंडर्ड प्रोसेस होते हैं उन पे चर्चा करी गई है, बहुत आसानी से आपको दिखाई दे जाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। 16 सवाल बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट ओनली करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस इन विच डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी मतलब पी कॉन्स्टेंट माना गया, तभी तो अपन ध्यान देखें तो अपन क्या लिखते हैं डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस वर्णन, वर्णन को पी डेल्टा वी ले लिया गया, मतलब प्रोसेस कौन सा है आइसोबारिक, कौन सा है आइसोबारिक। तो हमें ये तो देखते ही समझ में आ गया कि पी आएगा, क्या आएगा पी। तो कॉलम थ्री में पी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आंसर है ए और सी, कौन सा है ए और सी। अब देखें ध्यान से आइसोबारिक, अच्छा आइसोबारिक है इसका मतलब थर्ड भी होना चाहिए, ठीक है भाई वो भी ए और सी में है। अब बात करते हैं एक सेकंड और थर्ड, सेकंड में देखो वर्णन, वर्णन हाँ वर्णन पी डेल्टा वी, पी वी टू माइनस वी वन, थर्ड में तो वर्णन जीरो है, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्णन जीरो नहीं होता, मतलब सेकंड थर्ड एंड पी, तो ऑप्शन हुआ ए। 17 सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सिंपल अगेन आपको सारे चेक करने हैं, मैं आपको सही वाला ही चेक करके बताता हूँ, सिंपली सारे चेक करने हैं। सबसे पहले बोला गया थर्ड, थर्ड वर्डन जीरो कब होता है, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होती, वॉल्यूम चेंज का मतलब आइसोबारिक, आइसोबारिक का मतलब कौन सा थर्ड, मतलब आइसोबारिक कौन सा, अपने थर्ड पार्ट लिया, थर्ड पार्ट में है वर्डन जीरो, वर्डन जीरो का मतलब देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब सेकंड, सेकंड अच्छा थर्ड और सेकंड और उसके साथ कौन सा एस, कैश में ध्यान से देखो तो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है यानी कि आइसोकोरिक, सिंपल। तो इसका आंसर हुआ 17 का डी। 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट इज यूज एज अ करेक्शन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन आइडियल गैस। अगर आप सब लोग जानते हो तो गामा लैपलास गामास करेक्शन जो कराया गया, पहले उसे आइसोथर्मल प्रोसेस माना गया था, बट गामा साहब ने बोला जो मतलब लैपलास करेक्शन था उसमें बोला गया कि इट इज द वेलोसिटी जो कि एडियाबेटिक होती है, एडियाबेटिक इसलिए क्योंकि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनना बहुत फास्ट होता है, तो हम उसे बहुत फास्ट लेते हैं तो हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती, इसलिए हम इसे एडियाबेटिक मानते हैं, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो जो जो आपको एडियाबेटिक प्रोसेस दिख रहे हैं, जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। देखिए फर्स्ट वर्डन जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में वो क्या होता है, पी वन यू माइनस पी टू अपन गामा माइनस वन, वो आपने दिखाई दे दिया आपको आंसर, तो आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है डी। तो 16 का आंसर था सी, 17 का आंसर है डी और 18 का आंसर भी है डी। थैंक यू।